बिहार की सीटों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक, तेजस्वी यादव, मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल के बीच मंथन। सूत्रों की खबर, बिहार में कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार आरजेडी। पूर्णिया, औरंगाबाद और काराकाट सीट भी चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, कटिहार हमारी पारंपरिक सीट है, उम्मीद है आरजेडी मानेगी। आरजेडी अगर 9 से 10 सीट नहीं देती तो कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का स्टेटमेंट। समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन का टिकट काटा। सूत्रों से खबर, आजम खान की करीबी रुचि वीरा को मिल सकता है टिकट। एसटी हसन ने आज ही नॉमिनेशन फाइल किया था। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट बंटवारा फाइनल। 28 मार्च को महायुति करेगी ऐलान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का ऐलान, रायगढ़ सीट से सुनील तटकरे लड़ेंगे चुनाव। शरद पवार से मिले कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट, बातचीत के जरिए विवादित सीटों का हल निकालेंगे। शरद गुट के नेता संजय पाटिल का बयान, 2 से 3 सीटों पर बात अटकी, जल्द लेंगे फैसला। शरद पवार की पार्टी ने भिवंडी सीट पर ठोकी दावेदारी। प्रवक्ता मनीष तापसे बोले, कांग्रेस से बेहतर है हमारा नेटवर्क। बारामती से अजीत पवार की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान पर विजय शिवतारे को नोटिस। शिवसेना ने 24 घंटे में जवाब मांगा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कल बुलाई बैठक, महायुति में शामिल होने की कर सकते हैं घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली पीड़ित और बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा से बात की, शक्ति स्वरूपा बताया। रेखा ने ही संदेश खाली का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री मेरठ से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। 30 मार्च को जयंत चौधरी के साथ रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच बैठक, बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों पर बात हुई। पीलीभीत से सपा उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार का बड़ा दावा, वरुण गांधी का समर्थन हमारे साथ। अधीर रंजन का वरुण गांधी को कांग्रेस में आने का ऑफर, कहा गांधी परिवार से वरुण का संबंध, तभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की छठी लिस्ट आई, दौसा से जसकौर मीणा का टिकट कटा, कन्हैया लाल मीणा को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। 2026 तक असम में कांग्रेस का वजूद नहीं बचेगा, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का दावा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नामांकन भरा, अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। नागपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, उम्मीदवार विकास ठाकरे के नामांकन में हजारों कार्यकर्ता जुटे। बेंगलुरु में जेडीएस कोर कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ सीट से पर्चा भरा, नॉमिनेशन से पहले किया रोड शो। उत्तराखंड के पौड़ी से अनिल बलूनी ने दाखिल किया नामांकन, रोड शो में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का बयान, प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए समर्पित हैं। चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में आए। प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए बहुत काम किया, रवनीत बिट्टू ने कहा। बीजेपी में शामिल होने के बाद केजरीवाल पर बरसे रवनीत बिट्टू, कहा केजरीवाल के खालिस्तानियों के साथ कनेक्शन की जांच हो। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, अकाली दल से गठबंधन नहीं बनने पर बात। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जानकारी दी। बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर बोले सुखबीर बादल, अकाली दल वोटों की राजनीति नहीं करती। बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे रविंद्र सिंह भाटी, सर्व समाज की बैठक के बाद ऐलान किया। हिमाचल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 सीटों पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को उतारा, विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी का नामांकन, रोड शो करके बीजेपी ने किया शक्ति प्रदर्शन। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 9 उम्मीदवारों का ऐलान। गुजरात उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 4 विधायकों को टिकट। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से नॉमिनेशन फाइल किया, कहा जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा, पूरा भरोसा है। कमलनाथ बोले, छिंदवाड़ा से राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ता है, जनता सच्चाई का साथ देगी। चुनाव प्रचार में जुटे तमिलनाडु की खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन, कहा तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी 40 सीटें जीतेंगे। उत्तराखंड के लिए बसपा ने लिस्ट जारी की, 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जजपा, पीएसी की बैठक में फैसला। सुप्रिया सेन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, विवादित टिप्पणी पर एक्शन लेने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंची कंगना रनौत, कहा हर महिला सम्मान की पात्र है। सुप्रिया सेन की विवादित पोस्ट को नवनीत राणा ने बताया शर्मनाक, कहा प्रधानमंत्री से सीखे महिलाओं का सम्मान करना। कंगना रनौत के खिलाफ पोस्टर पर एनसीडब्ल्यू सख्त, सुप्रिया सेन की चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी नेता शायना एनसी ने की कंगना रनौत की तारीफ, कहा देश के लिए अच्छा करने की चाहत से बीजेपी में शामिल हुई। हिमाचल में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का बयान, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी, ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी करने पर जताई आपत्ति। दिलीप घोष पर टीएमसी का पलटवार, मंत्री शशि पांजा बोली, दिलीप घोष के डीएनए में दिक्कत है। बीजेपी जितना ममता बनर्जी का अपमान करेगी उतना जनता उनका साथ देगी, टीएमसी नेता सुष्मिता देव का बयान। ममता बनर्जी से माफी मांगे दिलीप घोष, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। ईडी ऑफिस में केजरीवाल से मिली सुनीता केजरीवाल, 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, पेटिशन में गिरफ्तारी को दी है चुनौती। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली, मंत्री गोपाल राय बोले ईडी गठबंधन के बड़े नेता होंगे शामिल। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान। 31 मार्च की रैली के लिए तैयार विपक्ष, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा सब केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे।
दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका हंगामा, मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी भाजपा, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर चलाया वाटर कैनन, ईडी कस्टडी से केजरीवाल का एक और ऑर्डर आया, स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। सौरभ भारद्वाज ने कहा मुख्यमंत्री भले ही जेल में हो लेकिन उन्हें सिर्फ दिल्ली की चिंता, जेल से केजरीवाल के सरकारी ऑर्डर पर भाजपा का हमला, कहा सीएम दफ्तर का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही है आप, मंत्री आतिशी पर केस दर्ज करने की मांग, के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत, ईडी ने नहीं मांगी रिमांड, कविता बोली है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का केस है। दिल्ली सरकार ने कल विधानसभा का सत्र बुलाया, विधानसभा सत्र में मुख्य सचिव को आने का आदेश, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया, कहा मुख्यमंत्री को हिरासत में रखना लोकतंत्र के लिए सही नहीं, अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, आप नेता दुर्गेश पाठक का बयान, प्रधानमंत्री मोदी को डर है कि केजरीवाल बीजेपी को खत्म कर देंगे, केरल के सीएम विजयन की आरएसएस को चुनौती, एक मुसलमान ने लगाया था भारत माता की जय का नारा तो क्या वो नारे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केरल के सीएम पर बीजेपी का पलटवार, नारे में हिंदू मुसलमान ढूंढा, एकता के प्रतीक को सांप्रदायिकता में फंसा रहे हैं, मेडिकल प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन तारीख 31 मार्च तक बढ़ी, यूजीसी के अध्यक्ष ने जानकारी दी, मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल लाया गया, इलाज के लिए सुबह मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती, मुख्तार अंसारी की तबियत बिगड़ने पर अफजाल अंसारी का आरोप, जेल में भाई की हत्या की साजिश हो रही है, उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई के करीबी दिनेश बुभाटे को ईडी का समन, इसी हफ्ते पेश होने को कहा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ईडी का एक्शन, आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर रेड, वॉशिंग मशीन से मिला 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश, मुंबई से सटे मीरा रोड में जबरन नारेबाजी मामले में एक्शन, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिहार में शिक्षकों को लेकर फिर विवाद, ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों की वेतन कटौती का आदेश, नहीं दी गई होली की भी छुट्टी, होली की छुट्टी नहीं मिलने पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ लिया, धार के भोजशाला परिसर में आज भी हुआ एसआई सर्वे, 22 मार्च से चल रहा है सर्वेक्षण, नोएडा सेक्टर 32 के डंपिंग यार्ड में आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, मुंबई के 6 मंजिला कॉर्पोरेट पार्क में आग लगी, 50 लोगों को बचाया गया, सभी सुरक्षित, विजयवाड़ा में एक तेल टैंकर गोदाम में भीषण आग, इलाके में हर तरफ धुआं ही धुआं, अयोध्या के राम मंदिर परिसर में खेली गई होली, श्री रामलला को लगाया गया गुलाल, गोरखनाथ मंदिर में होली समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल, गोरखपुर में निकली भव्य नरसिंह शोभा यात्रा, सीएम योगी बोले 90 सालों से लगातार निकल रही है शोभा यात्रा, योगी ने सनातन धर्म की खूबियां गिनाई, सनातन धर्म में उत्साह और उमंग में विश्वास, प्रयागराज में होली की धूम, रंग से सराबोर होते दिखे लोग, पटना में चिराग पासवान ने मनाया होली का जश्न, कहा चाचा साथ आना चाहते हैं या नहीं ये खुद फैसला करें, पटना में भी आज खेली गई होली, रंग अबीर के साथ लोगों ने मचाया धमाल, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव पर तंज, सनातन से दूर होते जा रहे हैं, होली पर बिहार से दिल्ली भाग गए, एमपी के सीएम मोहन यादव का दिखा अलग अंदाज, बड़वानी जिले में आदिवासियों के बीच जमकर थिरके, पंजाब के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में होला मोहल्ला समारोह, मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन, तमिलनाडु के इरोड में बन्नारी अम्मन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान, खाली पैर अंगारों पर चले लोग, दिल्ली में होली पर 3,500 लोगों का चालान कटा, नशे में गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट ड्राइव करने पर एक्शन, रामलला के दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, चंपत राय ने श्रद्धालुओं को अलर्ट रहने को कहा, मौलाना तौकीर रजा की तबियत बिगड़ी, रविवार को आया था हार्ट अटैक, गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 361 और निफ्टी 52 अंक लुढ़का।